हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, यू नो दैट वी आर रीडिंग चैप्टर 4 एडिशन एंड टुडे वी विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? बहुत महत्वपूर्ण है ये। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को पहले समझेंगे। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वर्ड प्रॉब्लम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले हमको क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, ओके? पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बार बार पढ़ेंगे कि कह क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है? तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन देयर वेर टू कैंडिडेट, करेक्ट? इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में, एक चुनाव में दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उम्मीदवार खड़े हुए हैं। वन कैंडिडेट गॉट 319 वोट्स एंड द अदर कैंडिडेट गॉट 387 वोट्स। एक कैंडिडेट जो होता है वो 319 वोट्स उसको मिलता है, यानी वो पाता है, एंड दूसरा जो कैंडिडेट होता है उसको 387 वोट्स मिलते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए हम इलेक्शन में दो लोग खड़े हो गए, चुनाव देखे होंगे, जैसे मॉनिटर का हमने इलेक्शन किया, क्लास में मॉनिटर का दो बच्चे खड़े हो गए, ठीक है? हमने कहा कि दो बच्चे खड़े हो जाए, कौन मॉनिटर बनना चाहता है, ठीक है? एक बच्चे को मिला 15 वोट, ठीक है? 15 स्टूडेंट उसको सपोर्ट किए हैंड रेज करके कि 15 स्टूडेंट हम एक स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, और 20 स्टूडेंट एक स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? दो एक बार एक एक स्टूडेंट को 15 और एक स्टूडेंट को 20 स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इसको चाहते हैं मॉनिटर बनाना। तो क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने स्टूडेंट ने, टोटल कितने स्टूडेंट ने सपोर्ट किया, ठीक है? कितने स्टूडेंटों ने सपोर्ट किया, टोटल स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने सपोर्ट किया, क्या करेंगे? उसका भी 15 और इसका 20 दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तभी तो पता चलेगा कि टोटल कितने स्टूडेंट हुए दोनों को सपोर्ट करने वाले। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन वही होता है, सेम वही है, कह रहा है कि हाउ मेनी वोट्स वेयर पोल्ड इन आर, यानी कितने वोट्स पोल्ड हुए। तो क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, इन और पूछ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 319 प्लस 387, ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग प्लस करेंगे। 9 और 7 को प्लस करेंगे कितना होगा, 16 होगा। ये जो हमारा राइट वाला है उसको यहां लिखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे, 1 को कैरी कर देंगे, 8 1 9 1 10 10 होगा, तो राइट वाला जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है? 1 कैरी हो गया। 3 3 6 1 7 टोटल टोटल वोट्स कितने पड़े, 706। हाउ मेनी वोट्स वर कॉल्ड, देन यू विल राइट योर आंसर, यू विल राइट आंसर है टोटल 706 वोट्स वर कॉल्ड, वर, ओके, हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी, ठीक है। पेज नंबर 55 के क्वेश्चन आइए। देयर आर 344 स्टूडेंट इन स्कूल ए, स्कूल वन, ठीक है। देयर आर 187 स्टूडेंट इन स्कूल सेकेंड, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ द स्कूल, क्वेश्चन अब पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द बोथ स्कूल, इन द बोथ द स्कूल। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द बोथ द स्कूल, एक स्कूल में फर्स्ट जो एक नंबर का स्कूल है उसमें 344 स्टूडेंट्स हैं और दूसरे स्कूल में 187 स्टूडेंट्स हैं। तो कह रहा है कि दोनों स्कूलों में टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द बोथ द स्कूल, दोनों में कितने स्टूडेंट्स टोटल। ओके, व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 344 प्लस 187, 7 4 11, 1 कैरी 1 एंड 13, 3 कैरी 1, 3 1 4 1 5, समझ में आया। 7 और 4 को प्लस करेंगे कितना होगा 11 होगा, 11 का 1 होगा, यहाँ कैरी 1 हो जाएगा ऊपर, और 8 आउटपुट कितना होगा 12 होगा, 12 प्लस 1 कैरी वाला 13 हो जाएगा, 13 का 3 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 और कैरी 1 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश आयस 236 पीनट्स, रोहित आयस 175 पीनट्स, रोहित एज 175 पीनट। ओके, हाउ मेनी पीनट्स आर देयर टुगेदर, हाउ मेनी पीनट्स आर देयर ऑल टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमको क्वेश्चन समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। पहले हम कोई भी क्वेश्चन हो उसको समझेंगे, कह क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। जब हमको हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कह रहा है कि राजेश हैज 236 पीनट्स, बहुत सिंपल है, राजेश के पास 236 पीनट्स है एंड रोहित हैज 175 पीनट्स। ओके,
हाउ मेनी पिलर्स आर देयर ऑल टुगेदर ओके, कह रहा है कितने पिलर्स दोनों के पास है, ओके तो क्या करेंगे इसको भी हम ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 236 प्लस 11 हुआ, 11 का 1, कैरी 1, 7 3, 10 1, 11, कैरी 1, 2 1 3, 1 4, ये टोटल हुआ। ओके इतने पिनर्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम देते हैं, ओके हाउ मेनी स्टूडेंट्स हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स playing game, okay? हम कह रहे हैं 216 boys are playing football. Ground में 260 boys football खेल रहे हैं and 136 girls are playing hockey. गर्ल्स हॉकी खेल रही है, तो हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर प्लेइंग गेम, कुल कितने स्टूडेंट्स गेम खेल रहे हैं। ओके तो ये बॉयज गर्ल्स हुए, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, इसको ऐड करेंगे 116, बहुत सिंपल है, 136 प्लस 12, 2, carry 1, 3, 1, 4, 1, 5, and 2, 1, 3. Then how many students are playing game? 352 students are playing game. Total 352 students are playing game. ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? वन नेक्स्ट क्वेश्चन, राम हैज 206 पेंसिल्स सीता है
336 पेंसिल, रोहन हैज 102 पेंसिल्स, ओके हाउ मेनी पेंसिल्स इन ऑल। कह रहा है कि राम के पास 206 पेंसिल्स हैं, सीता के पास 336 पेंसिल्स हैं, रोहन के पास 102 पेंसिल्स हैं, तो हाउ मेनी पेंसिल्स इन ऑल, टोटल कितने पेंसिल्स हैं, क्या करना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा, अपने आप हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी है, जब टोटल पूछ रहा है तो हम टोटल कर देंगे 206 336 प्लस 102, इसको प्लस कर देंगे 6 प्लस 6 12 प्लस 2 14 14 एंड 4 कैरी ओवर 1 3 प्लस 1 4 एंड 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर आर 644 पेंसिल्स इन आर। आंसर लिखेंगे हम, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर देयर आर 644 पेंसिल्स इन आर, ओके वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट्स यू विल डू योर एक्सरसाइज, आप लोग अपना एक्सरसाइज करिएगा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे कॉल टू मी, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछिए, ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे।